हे गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आज मैं बताने वाला हूँ बिहार पुलिस परीक्षा 2020 के बारे में। सो गाइस, जो बिहार पुलिस 12 जनवरी से लेकर जो 8 मार्च में एग्जाम हुए थे, उनके कई सेक्टर कटे के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सेक्टर कटे आपके क्या होंगे इसके बारे में आपको मैं बता दूँ। मान लीजिए कि आपका कटअप जो है कितना से कितना तक जाएगा तो आप इसको में बैठ सकते हैं, इतना मार्क्स आएगा तो क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जनरल के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने चाहिए, ओबीसी के लिए कितने चाहिए, एससी के लिए कितने चाहिए, और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। सो आप फिजिकल के क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, कब जब आपको एक सर्टिफिकेट का पता चल जाएगा तब। सो गाइस, चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटे से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ऑनलाइन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो बिहार पुलिस के साथ साथ नए नए अपडेट जो भी हो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिखाए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है, लाइक भी कर देते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जितना देर आपको लाइक करने में लगता है उससे कम समय आपको सब्सक्राइब करने में लगता है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। तो चलते हैं, इस वीडियो के स्टार्ट करने के साथ मैं आपको बता दूँ कि बिहार पुलिस के लिए एक्सपेक्टेड कटर कितने होंगे और कब तक इसके रिजल्ट आ सकते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस, मैं अभी सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं गूगल पे गया हूँ। गूगल पर जाने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हूँ, वहाँ पर लिखा हूँ ऑल जॉब्स फॉर यू। ठीक है, यहाँ से जानकारी जो भी आपको दी जाएगा लाइक सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है, सही जानकारी होगी। सो गाइस, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात आता है कि देखिए आप देख रहे हैं, ठीक है, सब लेटेस्ट जानकारी है यहाँ पर। जैसे आप करेंगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के एक्सेप्टेड कटअप के बारे में। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि बिहार पुलिस के एक्सेप्टेड कटअप क्या होंगे, आपको मैं दिखा दूँ, ठीक है। सो गाइज, आप यहाँ पर देखेंगे कि बिहार पुलिस के कांस्टेबल रिजल्ट जो है कब आने वाले हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड कटअप के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको एक्सेप्टेड कटअप के बारे में बता दूँ गाइज। सो गाइज, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ए टू जेड जानकारी दे रहा हूँ। कह रहे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2020 जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, एक्सेप्टेड कटअप के बारे में बताने वाला हूँ। कह रहे बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2019 से लेकर 2020 के एक्सेप्टेड कटअप आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइज, इसका मेरिट लिस्ट भी बताऊंगा कब आने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम रिजल्ट भी जो कब आने वाले हैं, ठीक है, पीटी की कब आप तैयारी कर सकते हैं, इसकी टोटल जानकारी आपको मैं दूंगा। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ कि एक्सेप्टेड कटअप इसके क्या होंगे, ठीक है, चलिए इसमें बात कर लेते हैं एक्सेप्टेड कटअप के बारे में। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2020 कटअप ऑफ मार्क्स मेरिट लिस्ट कब आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको दिया है बिहार पुलिस डिपार्टमेंट पोस्ट में जो है कांस्टेबल है, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो 11,800 वैकेंसी थी और एग्जाम रिजल्ट क्या थे 8 मार्च से। सो अवेलेबल सुन इसका रिजल्ट जो होते हैं बहुत ही जल्द आएंगे, अगले मई में इसका रिजल्ट जो किया गया है एक्सेप्टेड किया गया है कि मई में रिजल्ट आएंगे। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ कि देखिए सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि रिटन टेस्ट हुआ, फिजिकल टेस्ट हुआ, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। यह जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप टोटल जानकारी दे सकते हैं। देखिए अबाउट एग्ज़ाम के बारे में बता दूं कि एग्ज़ाम आपका कब कब हुआ था, तो 12 जनवरी 20 जनवरी को तो हुआ ही था, बट 8 मार्च को भी आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो तीनों जो एग्ज़ाम हुए हैं 12 जनवरी को, 20 जनवरी को और 8 मार्च का जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी किए हुए, तो मैं आपको सिर्फ एक्सेप्टेड कटअप के बारे में बताऊँगा। सो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट हुआ है, रिटन टेस्ट दिए हैं, इसी का आप रिजल्ट का हम लोग वेट करें। जैसे ही रिजल्ट हमारा आएगा तो हम फिजिकल इफिशियंसी के बारे में पता करेंगे, उसके बाद पीईटी या पीएचटी के बारे में पता करेंगे। सो गए चलते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अवेलेबल जो होंगे डाउनलोड बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जो होंगे 2019 वाला जो है कब आएंगे, तो मई में आने वाला है, मई 2020 में रिजल्ट आएंगे। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल कटअप मार्क्स जो है एक्सेप्टेड क्या है, कितने कितने हैं। सो बात करते हैं मेल कटअप की, बात करते हैं तो मेल में कितने होंगे। जनरल के कोई भी कैंडिडेट होगा, अगर उनका 75 से 80 के बीच में मार्क्स चाहिए, दैट लाइक उनका रिजल्ट होगा, वो क्या कर सकते हैं, पीईटी की तैयारी कर सकते हैं, अभी से ही जुड़ सकते हैं उसमें। ईडब्ल्यूएस की बात करने वाले हैं तो 70 से 75 मार्क्स भी तैयारी कर सकते हैं। एससी की बात करने वाले हैं तो 65 से 70 अगर मार्क्स हैं तो भी लोग क्या करते हैं, पीईटी की तैयारी कर सकते हैं। और एसटी की बात करने वाले तो 60 से 65 के बीच में अगर उनका मार्क्स आ गए तो लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक्सेप्टेड आप मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन आंसर भी मिला लिया होगा, क्वेश्चन आंसर मिलाने के कंडीशन में अपना आंसर मिलाया होगा, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि मेरा रिजल्ट आने वाला, तब क्या कर सकते हैं, मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी में 70 से 75 देख रहे हैं। सो गाइस, फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के हम बात कर लेते हैं, फीमेल कटअप के बारे में, तो फीमेल कटअप के बात करते हैं। जनरल के कोई अगर होंगे तो इसमें 55 से 60 अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका रिजल्ट होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 53 से 58 के बीच में, एससी की बात करते हैं 50 से 55 के बीच में हो सकते हैं, और एसटी के 45 से 53 के बीच में, और ओबीसी की बात करते हैं अगर 50 से 55 अगर उनका मार्क्स आ जा रहा है तो लोग क्या कर सकते हैं, पीटी की तैयारी कर सकते हैं। सो गाइज, आप अभी से पीटी की तैयारी में जुट जाइए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि रिजल्ट जो होंगे अवेलेबल सुनेंगे अर्थात मई में आने वाले हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिया गया, इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ऑनलाइन जान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो बिहार पुलिस के सबसे पहले आप तक जाए। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।